कि वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराने के लिए पेज ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है, और ये गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के पेज लेवल फैक्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इंफोडॉक्स पे। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि हमारी गूगल की 200 रैंकिंग फैक्टर्स की सीरीज चल रही है, और आज का वीडियो है वीडियो नंबर 2 पेज लेवल फैक्टर्स के लिए। हमने पिछले वीडियो में 21 पेज लेवल फैक्टर्स देखे थे, और आज के इस वीडियो में हम आगे के पेज लेवल फैक्टर्स देखेंगे। और अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह के और भी काम के वीडियोस जो मैं आगे आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, आप उसमें से कोई भी वीडियो मिस करें। जैसे ही मेरा वीडियो रिलीज हो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं आगे के ये पेज लेवल फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम आज डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पेज लेवल फैक्टर नंबर 22 और 21 फैक्टर्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उसको फिर देख लीजिएगा। उसका लिंक अगर आपके पास नहीं है तो मैं ऊपर आप लोगों को लिंक दिख रहा होगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके उनको देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको पहले देखें फिर इसको देखें, क्योंकि कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है। आप अभी इस वीडियो को देख लें कंप्लीट, उसके बाद उसको भी जरूर देख लें। और सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। खाली देखने से आपका जो पर्पस है वो हल नहीं होगा। अगर आप इसमें से जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप आसानी से अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करा पाएंगे। तो 22nd पेज लेवल फैक्टर है कीवर्ड प्रोमिनेंस। कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब क्या है कि कीवर्ड प्रोमिनेंट होना चाहिए। अगर आपका कीवर्ड पहले 100 वर्ड्स में आ रहा है आर्टिकल के, तो वो काफी हेल्प कर सकता है आपके पेज को फर्स्ट पेज सर्च रिजल्ट्स पे गूगल के रैंक कराने में। दूसरा फैक्टर है 23rd कीवर्ड इन H2 H3 टैग्स। तो H2 H3 टैग्स के अंदर कीवर्ड अगर आप लेते हैं तो वो एक ऑल्दो एक लो रेलेवेंस सिग्नल है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी वो एक रेलेवेंस सिग्नल है, क्योंकि गूगल के बॉट्स को उससे आपके पेज पे जो कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर समझने में मदद मिलती है। 24th फैक्टर है आउटबाउंड लिंक्स क्वालिटी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसको ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स भी हैं जो मैं आप लोगों के लिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और अगेन गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, शायद मैं भूल गया हूँ, कि ये सारी चीजें आपको नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लिंक मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर रहा हूँ। आप जब भी चाहें उस लिंक से इसको रेफर कर सकते हैं, और इसके अंदर जो भी अपडेट्स आते जाएंगे वो उस लिंक पे आपको हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड हमने इसको एक प्रेजेंटेशन बना करके ऐड किया है। आप अगर चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन को अपने पास डाउनलोड करके सेव करना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आउटबाउंड क्वालिटी लिंक्स में जो लिंक्स आप क्रिएट करते हैं, जो कि एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, एक तरह से आप अपने आर्टिकल में दूसरी साइट्स का या फिर दूसरी यूजफुल रिसोर्सेज के जो लिंक देते हैं, वो गूगल को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजने में बहुत ज्यादा मदद करता है। यह आपके कंटेंट को एक क्रेडिबिलिटी देता है, और जो आपके विजिटर्स हैं उनको एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, और फ्यूचर में ये आपके लिए काम कर सकता है एडिशनल बैकलिंक जनरेट करने के। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए किसी वेबसाइट का लिंक आपने बार बार अलग अलग जगह पे यूज किया है, और उनको डेफिनेटली ये चीज टूल से पता चल जाएगा कि उनको किस साइट से काफी अच्छे बैकलिंक्स आ रहे हैं, तो वो आपको भी लिंक देंगे इन रिटर्न, और उनका लिंक होगा बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी लिंक, एंड डेफिनेटली उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप कुछ चीजें फॉलो कर सकते हैं, जिससे पहले कि आप आउटबाउंड लिंक्स ऐड करें, अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो उसको आप आगे कर सकते हैं, पीछे के कंटेंट में भी चाहे तो इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला, डू नॉट ऐड इट इन बल्क एज इट मे गिव स्पैमिंग सिग्नल्स टू गूगल। इसको आपको बल्क में ऐड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे आउटबाउंड लिंक्स ऐड कर दिए कि ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत काम करते हैं, तो वो जो विजिटर है उसके लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और डेफिनेटली गूगल भी इस चीज को कभी लाइक नहीं करता।
फ्रेंड्स एक्चुअली जो कंटेंट आप बना रहे हैं ना वो आप विजिटर्स यानी आपके जो रीडर्स हैं यूजर्स हैं उनके लिए बना रहे हैं ना कि बॉट्स के लिए। तो इसको ध्यान में रख के बनाइए कि अगर आप होते कंटेंट पढ़ रहे होते तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है। अगर इतना भी आप कर लेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर से आप एक्चुअली में कंप्लाई कर लेंगे। दूसरा इसके अंदर जो मेरा फॉलो करने के लिए आपके लिए टिप है, यूज नो फॉलो टैग वेर एवर नीडेड। जरूरी नहीं है कि आप सारे लिंक्स को डू फॉलो दें, कुछ लिंक्स को आप नो फॉलो भी दे सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसके अंदर पीडीएफ होता है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कोई स्लाइड होती है, तो आप उसको नो फॉलो भी दे सकते हैं। जो भी आप लिंक क्रिएट करने जा रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर एंकर टैग दीजिए जो कि रेलेवेंट हो, मतलब कि उस एंकर टैग पे जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट उस पर्टिकुलर लिंक पे जो कंटेंट है उससे उसका मैचिंग यानी रेलेवेंस हो, तभी उसका एक्चुअल बेनिफिट मिलता है। जिसको आपको लिंक दे रहे हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलता है आपसे और आपको भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो फोर्थ फैक्टर है इसमें, जो भी लिंक आप ऐड करने जा रहे हैं उसको आप पहले एक बार ब्राउजर में चला के देख लें कि वो वर्किंग भी है कि नहीं। हो सकता है किसी वजह से वो लिंक उस साइट ने रिमूव कर दिया हो, जब आपने वो आर्टिकल बनाया हो उस समय वो एग्जिस्ट कर रहा हो, जिस दिन आप उसको पब्लिश कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं उस दिन वो रिमूव हो जाए। तो आप उसको चेक करिए जिस समय आप लगा रहे हैं वो वर्किंग है तभी आप उसको लगाइए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आप उस लिंक का स्पैम स्कोर चेक कर लीजिए। स्पैम स्कोर चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको जाना है गूगल पे और इसके अंदर फ्री स्पैम स्कोर चेकर होता है, बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं जो देती हैं। जैसे आपने डाला इसमें स्पैम स्कोर चेकर और आप देखेंगे सबसे पहला जो यूआरएल आ गया इसके थ्रू आप इजीली स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट का या जिस भी यूआरएल को चेक करना जा रहे हैं उसका लिंक डालेंगे तो नीचे एसएस करके आएगा और एसएस अगर एक्चुअली में 15-17% से ज्यादा है तो आप उसको मत यूज करिए। कोशिश ये करिए जिनका स्पैम स्कोर ज्यादा है और वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको आप हटा ही दीजिए। अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको उसको ऐड करना है और उसका स्पैम स्कोर 20 तक है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा है तो उसको आप बिल्कुल मत ऐड करिए। इसके बाद फिफ्थ टिप है, लिंक ओनली टू रिलेवेंट कंटेंट। रिलेवेंट कंटेंट को ही लिंक करिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने आर्टिकल का आपका जो टॉपिक है वो कुछ और है और जो आप लिंक दे रहे हैं वो किसी और कंटेंट पे जा रहा है। वो कंटेंट उससे मिलता जुलता या फिर उसका एक्सटेंशन या उसका कुछ जो पार्ट है जिससे आप लिंक कर रहे हैं उसका कुछ इलैबोरेट डेफिनेशन होनी चाहिए तभी उसका एक्चुअली मतलब बनता है। इसके बाद लास्ट टिप है, यूज टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। जो आपका लिंक है जब आप लिंक ऐड करते हैं तो लिंक के अंदर ऑप्शन आता है ओपन इन अ न्यू टैब, तो वो टारगेट ब्लैंक ऑप्शन ऐड कर देता है। अगर आप वर्डप्रेस यूज करें तो ओपन इन अ न्यू विंडो या न्यू टैब आ जाएगा, अदरवाइज अगर आप एक्चुअली में HTML में कोडिंग कर रहे हैं तो आप टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक टैग को यूज करेंगे उस हाइपरलिंक के उसके अंदर, और उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर कंटेंट एक दूसरे टैब में ओपन होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपका कंटेंट बंद हो जाएगा और आपके कंटेंट की जगह ये ओपन हो जाएगा और वो एक्चुअली एक तरह से आपकी साइट के लिए बाउंस रेट बढ़ाएगा और वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बेटर है कि जो भी आप लिंक्स ऐड करिए उनको आप एक नेक्स्ट टैब में ऐड करिए। इनफैक्ट अगर आप अपने इंटरनल लिंक्स भी ऐड कर रहे हैं तो उनको भी आप नेक्स्ट टैब में ही ऐड करिए। 25th पेज लेवल फैक्टर है, आउटबाउंड लिंक थीम। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द हिलॉप एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम जो कि गूगल ने 2003 में एक्वायर की थी, इस एल्गोरिथम के जरिए गूगल वेब पे जो कंटेंट है कीवर्ड के रिलेवेंस में उसको इजीली वो फाइंड आउट कर लेता है। तो गूगल जो कंटेंट आप जो लिंक दे रहे हैं उसको एक रेलेवेंसी सिग्नल की तरह यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेज कार्स के बारे में बता रहा है और आपने जो लिंक दिया है वो मूवी रिलेटेड पेज को दिया है तो ये गूगल को ये बताता है कि ये कार आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो चीज है कंटेंट है वो नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट आप मूवी से रिलेटेड किसी कार का जिक्र कर रहे हैं। तो जो आउटबाउंड लिंक का जो आपका जो कंटेंट का जो थीम है यानी जो उसका पर्पस है जो इंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में जो आपने कीवर्ड या एंकर टेक्स्ट यूज किया है उसको भी जस्टिफाई करती है गूगल के इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स नेक्स्ट 26 पेजेबल फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है ग्रामर एंड स्पेलिंग। तो प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग अगर आपकी नहीं है तो ये एक लो क्वालिटी सिग्नल है,
तो आप इसके लिए एक सिंपल सा टूल होता है ग्रामरली, उसका क्रोम एक्सटेंशन होता है, तो आप क्रोम में उस ग्रामरली एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उसका पेड वर्जन भी है, बट एक नॉर्मल जो आपकी ग्रामर स्पेलिंग की चेकिंग होती है उसके फ्री वर्जन से हो जाती है। तो आप उसका क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर ले, उसके बाद आप ब्राउजर पे जो भी चीज टाइप करेंगे उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करेगा और आपको उसका सजेशन देगा और वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ग्रामर और स्पेलिंग आप किस तरह से चेक करोगे। आपको उसके लिए कोई डिक्शनरी या फिर कोई इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड और कहीं पे ट्रेनिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामरली आपकी इसमें हेल्प करेगा और धीरे धीरे आप खुद से उसको समझने लग जाएंगे और फिर आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर कोई भी चीज आपको टाइप करनी है या कोई आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप गूगल का जो गूगल डॉक्स है उसको यूज कर सकते हैं, और अगर आपके क्रोम एक्सटेंशन में ग्रामरली इंस्टॉल्ड है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ग्रामर और स्पेलिंग चेक करेगा। और सेम चीज आप जीमेल का जो आपका कंपोज का सेक्शन होता है उसका यूज करके भी एक्चुअली कर सकते हैं, और वहां से जो भी आपका कंटेंट बन के आता है उस कंटेंट को आप जहां भी उसको भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 27th पेज लेवल फैक्टर है सिंडिकेटेड कंटेंट। इज द कंटेंट ऑन योर पेज ओरिजिनल? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है या आपने कहीं उस कंटेंट को कॉपी करके डाला है? क्योंकि जो कंटेंट आप किसी पेज का कॉपी करके अपने कंटेंट में यूज कर रहे हैं और वो पेज ऑलरेडी इंडेक्स्ड है तो गूगल कभी भी आपके उस कंटेंट को इंडेक्स नहीं करेगा अनलेस एंड अंटिल जो ओरिजिनल कंटेंट राइटर है उससे आपने परमिशन ली हुई हो। ऐसा कई बार होता है कि हमें कुछ कंटेंट लिखना होता है और उस कंटेंट में कुछ पार्ट एक ऐसा होता है जो कि एक्चुअली हम उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ कोड्स हो सकते हैं या कुछ और ऐसी चीज हो सकती है जो कि ओरिजिनल कंटेंट राइटर की ही आपको यूज करनी है। इन दैट केस आप उसके अंदर एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि कर्टसी बाय दिस एंड दिस, या फिर आपने इसके थ्रू ये रेफरेंशियल लिंक यूज किया है, तो उस केस में गूगल कभी भी आपको आपके कंटेंट को प्लेगराइज्ड यानी कॉपीड नहीं मानेगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि आपने एक पोर्शन कहीं से लिए और आप उसको एक्चुअली कोट कर रहे हैं कि ये कंटेंट आपने किस यूआरएल से और किस जगह से लिया है, तो तब आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके कंटेंट को यूज करते हैं तो उसको हम सिंडिकेटेड कंटेंट बोलते हैं और वो कभी भी अलाउड नहीं है। जब आपका पेज इंडेक्स ही नहीं होगा तो रैंक तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद 28th पेज लेवल फैक्टर है मोबाइल फ्रेंडली अपडेट्स। जी हाँ, गूगल का जो अपडेट था एल्गोरिथम का 21st अप्रैल 2015 को, जिसे मोबाइल गेडॉन कहते हैं, The effect of this update was to give priority to web pages visible on smartphone and mobile devices. तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स पे प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो आपको इस चीज का ड्रॉबैक फेस करना पड़ेगा आपकी रैंकिंग के अंदर, क्योंकि गूगल धीरे धीरे मोबाइल्स पे जो भी पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे हैं उनकी रैंकिंग लो कर रहा है, और गूगल का मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग जिस दिन एक्चुअली अप्लाई हो जाएगा उस दिन वही वेबसाइट रैंक करेंगी ऊपर जो कि मोबाइल के ऊपर प्रॉपरली विजिबल होंगी, उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जो भी वेबसाइट है, ब्लॉग है, अपने मोबाइल फोन में उसको ओपन करके आप देखिए, उसको अच्छे से देखिए, दूसरों का भी देखिए, कंपेयर करिए कि आपके अंदर क्या कमी है, और आपको खुद से अगर कोई कमी लग रही है तो डेफिनेटली आप उसको इम्प्रूव करिए। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी मोबाइल फ्रेंडली है बट फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि एक्चुअली मोबाइल पे ठीक ना दिख रही हों, कई बार फॉन्ट साइज छोटा होता है, कई बार एक्चुअली जो क्लिक्स हैं वो काम नहीं करती हैं, तो ये सारी चीजें मोबाइल फ्रेंडली के अंदर आती हैं, तो ये आपको खुद से चला के देखना है और अकॉर्डिंगली आपको उसको ठीक करना है। अगर आपने गूगल में आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर रखा है, गूगल सर्च कंसोल जिसे हम गूगल वेब मास्टर भी बोलते थे, तो आपको वो ऑटोमेटिकली क्रॉल करके मोबाइल से रिलेटेड एरर्स बताएगा और उन एरर्स को आप खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर गूगल कोई बग आपको बता रहा है कि फॉन्ट छोटा है या आपका पेज ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो इस तरह की कुछ चीजें बताएगा, तो वो डेफिनेटली वो उस बेसिस पे बता रहा है क्योंकि गूगल उसको वर्ल्ड में जितनी डिवाइसेस हैं, जितने स्क्रीन्स हैं उन पे चेक कर रहा है, तो गूगल उसके बेसिस पे आपको वो चीज बताता है। अगर आपको खुद से देख के अपने स्क्रीन पे ठीक भी लग रही है तब भी आप उसको ध्यान रखिए और उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करिए और डेफिनेटली वो एरर आपकी चली जाएगी। तो जैसे ही गूगल उस एरर को ओके कर देगा, उसको दोबारा क्रॉल करके रिमूव कर देगा, दैट मीन्स कि आपका कंटेंट अब मोबाइल फ्रेंडली हो गया है। 29th पेज लेवल फैक्टर अगेन मोबाइल यूजेबिलिटी के ऊपर है। तो
अगेन वही चीज है कि जो वेबसाइट्स मोबाइल पे जो मोबाइल यूजर्स हैं इजीली उसको यूज कर पाते हैं उनको एज मिलती है मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग में। ऑल्दो गूगल ने अभी तक इसको एनफोर्स नहीं किया है बट अभी भी वेटेज मिलती है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे इंडेक्स कर रही है और अच्छी है तो आपको रैंकिंग में वेटेज मिलती है। आगे तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी क्योंकि जब वो इसको एनफोर्स कर देगा तो सिर्फ मोबाइल पे जो अच्छे दिख रहे हैं पेजेस या मोबाइल फ्रेंडली है वो ही इंडेक्स करेंगे, बाकी जो है वो सेकेंडरी इंडेक्स में चले जाएंगे। 30th पेज लेवल फैक्टर है हिडन कंटेंट ऑन मोबाइल। तो इसके द्वारा ये कहा जाता है कि जो आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो एक्चुअली हिडन नहीं होना चाहिए, आपकी मोबाइल के ऊपर वो प्रॉपरली दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट हिडन है मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन साइज छोटा होता है, तो डेफिनेटली आपको उसको इंडेक्स कराने में, उसको रैंक कराने में दिक्कत होगी। क्योंकि गूगल के क्रॉलर उसको हर स्क्रीन साइज के हिसाब से चेक करते हैं, क्रॉल करते हैं, तभी वो पता लगा के आपको ये चीज बताते हैं कि आपका कंटेंट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो इसका सिंपल सा तरीका, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करते ही हैं, बट साथ ही में उसको आप फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट एक हफ्ते में 15 दिन में जाके चेक करते रहे, या फिर अगर ऐसी कोई बग गूगल को नजर आती है तो आपको ईमेल भी भेजता है तो उसको भी ध्यान रखिए। तो आप तुरंत जाकर के चेक करिए कि गूगल किस पेज में कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम बता रहा है, उसको रिजॉल्व करिए और दोबारा से उसको सबमिट कर दीजिए कि गूगल उसको रिक्रॉल करे। तो ज्यादातर गूगल विद इन अ मंथ उसको रिक्रॉल करके उसको ओके कर देता है। अगर उसके बाद वो फिर से उसको सबमिट करता है कि कहता है कि नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो आपको फिर से उसको चेक करना पड़ेगा। एंड फाइनली जब तक आपकी प्रॉब्लम को गूगल ओके नहीं कर देता तब तक आपको उसको रिजॉल्व करना होगा। फ्रेंड्स इसके बाद है हमारा 31st पेज लेवल फैक्टर हेल्पफुल सप्लीमेंट्री कंटेंट। तो ये अकॉर्डिंग टू गूगल रेटर गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट है, इसको हमने पीछे भी जो अपनी स्लाइड थी लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो हेल्पफुल सप्लीमेंट्री कंटेंट इन योर पेजेस एन इंडिकेटर ऑफ पेज क्वालिटी, क्योंकि जो विजिटर्स हैं उनको आपके पेज पे आने के बाद कुछ और अधिक जानकारी मिल जाती है, तो डेफिनेटली इससे चांस बन जाता है कि वो आपकी साइट पे रीविजिट करेंगे। और ये कंटेंट हो सकता है पीडीएफ डॉक्यूमेंट का आपको लिंक दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल लिंक दे रहे हैं, आप अपने कंटेंट में अपना ही कोई और डॉक्यूमेंट या कंटेंट बना के भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने एक पीडीएफ अपनी साइट पे अपलोड करी और उसका लिंक दे दिया, या फिर आपने कोई स्लाइड्स बनाई, जैसे ये स्लाइड्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और उसको अपनी वेबसाइट पे डाल रहा हूँ, अगर सेम स्लाइड्स मैं एक आर्टिकल लिखूँ गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स पे और उसमें ऐड कर दूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम की होंगी। क्योंकि आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, बस स्लाइड को आप अपने पास कॉपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई और ऐसा कन्वर्टर, कोई ऐसा टूल आप दे सकते हैं, कोई करेंसी कन्वर्टर टूल दे सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट रिलेटेड टू फाइनेंस है तो किसी को भी आपकी वेबसाइट पे आने के बाद हो सकता है कुछ कैलकुलेशन करनी हो, तो कैलकुलेटर भी आता है, इंटरेस्ट कैलकुलेटर आता है। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स आते हैं। कुछ लोग जो फूड से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी अलग अलग कैलकुलेटर आते हैं जो कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप उन टूल्स का यूज कर सकते हैं और उस पेज पे दे सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये चीज जो आपका रीडर है, यूजर है, विजिटर है, उसको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने 32nd पेज लेवल फैक्टर में, और उसमें है कंटेंट हिडन बिहाइंड टैब्स। जी हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर टैब्स होते हैं, टैब्स में कंटेंट लिखा होता है, पहले टैब में कुछ और है, फिर आप टैब पे क्लिक करेंगे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जो कंटेंट टैब्स में हिडन है, यानी वो टैब्स जो कि एक्चुअली पेज लोडिंग के टाइम पे नहीं आते हैं, उनको कभी भी गूगल इंडेक्स नहीं करता है। तो वो कंटेंट गूगल कभी भी इंडेक्स नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई इस तरह का कोई आप ऐसा डिजाइन अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे मत यूज करिएगा जिसके अंदर टैब्स हो, तो वो कंटेंट एक्चुअली कभी गूगल इंडेक्स नहीं करेगा। 33rd पेज लेवल फैक्टर है नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स। फ्रेंड्स हमने पीछे भी डिस्कस किया कि आउटबाउंड लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे आउटबाउंड लिंक्स, क्वालिटी आउटबाउंड लिंक्स गूगल को एक्चुअली आपकी साइट आपको एक अच्छा वेटेज देने में, आपके पेज को एक रेलेवेंस देने के अंदर एक्ट करते हैं, साथ ही में जो विजिटर है उसको भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। बट बहुत ज़्यादा अगर आप डू फॉलो आउटबाउंड लिंक्स यूज करते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो आपकी पेज रैंक को बेटर करने की जगह नुकसान देगा। तो आप मैक्सिमम आउटबाउंड लिंक्स यूज करिए, 5 जो कि डू फॉलो लिंक्स हो, या फिर एक्चुअली अगर इसको आप चाहें तो इस तरह से फॉलो कर सकते हैं कि एक आउटबाउंड लिंक फॉर एवरी 230 वर्ड्स, या अगर आपका 1000 वर्ड का आर्टिकल है अप्रोक्सीमेटली तो 4 आउटबाउंड लिंक आप उसमें दे सकते हैं।
तो इस तरह से आप उसको फॉलो करें। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं, आप बहुत ज्यादा आउटबाउंड लिंक्स डालेंगे तो क्रॉलर तो अलग चीज है, जो आपका रीडर है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो उतने ही आउटबाउंड लिंक्स डालिए जितने सफिशिएंट है, जरूरी है, बहुत ज्यादा आउटबाउंड लिंक्स मत दीजिए, तो वो आपके विजिटर के लिए भी ठीक नहीं है, डेफिनेटली गूगल उसी वजह से उसको नेगेटिव फैक्टर में लेता है। 34th पेज लेवल फैक्टर है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आपके पेज पे होना बहुत जरूरी है, वो इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, स्लाइड्स हो सकती हैं, वो क्वालिटी सिग्नल की तरह ऐड करते हैं क्योंकि वो विजिटर को और वैल्यू देते हैं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस कंटेंट को पढ़ने में। सिंपल सी चीज है, आप कुछ सोचिए, अगर आपको कोई एक ऐसी बुक दे दी जाए जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट हो, कहीं कोई इमेज ना हो, तो क्या आपको वो बुक पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, या फिर ऐसी बुक जिसके अंदर बीच बीच में इमेजेस हो वो बुक पढ़ना आपको अच्छा लगेगा? डेफिनेटली जिसके अंदर इमेजेस होंगी वो बुक आपको पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, अगर आप इमेजेस यूज करेंगे, वीडियोस यूज करेंगे, स्लाइड्स यूज करेंगे तो आपके विजिटर को वैल्यू मिलेगी, वो बोर नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और ये आपकी साइट को रैंक कराने में हेल्प करेगा। 35th पेज लेवल फैक्टर है नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स पॉइंटिंग टू अ पेज। इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी वेबसाइट के लिए। जितने ज्यादा इंटरनल लिंक्स किसी एक पेज पे होते हैं तो उस पेज को इंपॉर्टेंस मिलती है इन कंपैरिजन टू वो दूसरे पेजेस जिनके अंदर इंटरनल लिंक्स नहीं है। आपके कंटेंट को कम से कम 2-3 इंटरनल लिंक्स होने चाहिए जो कि एक प्रॉपर एंकर टैग पे होने चाहिए, जो कि उस कंटेंट से रिलेट करता हो, और इंटरनल लिंक्स आपको कहीं भी नहीं देना है, डेफिनेटली रिलेटेड कंटेंट में होना चाहिए। उसका एक तरीका ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आप ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 4-5 आर्टिकल सेम टॉपिक को इधर उधर करके लिख सकते हैं, आप कंपैरिजन लिख सकते हैं अगर आप किसी का रिव्यू दे रहे हैं, या फिर आप किसी भी कंटेंट के अंदर 4-5 अलग अलग तरह की चीजें सोच सकते हैं और उन सभी आर्टिकल्स को एक दूसरे से इंटरनल लिंकिंग दे सकते हैं, क्योंकि वो रिलेवेंट है तो डेफिनेटली रिलेवेंसी भी लूज नहीं होती है। और जैसे मैंने बात की कि 2-3 इंटरनल लिंक्स आप दीजिए, वो एक्चुअली वो चीज भी आपकी हल हो जाती है। बट गाइज इसके अंदर भी वही चीज है कि आपको इंटरनल लिंक्स भी बहुत ज्यादा नहीं देने हैं, 100 से ज्यादा इंटरनल लिंक्स नहीं देने हैं, इवन इफ आपका कंटेंट बहुत ज्यादा भी है। मान लीजिए आपका 5-6 हजार वर्ड का कंटेंट है और उसके अंदर आपने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स से एक्चुअली डिटेल डेफिनेशन आपके दूसरे आर्टिकल पे निकलती है, तब भी आपको 100 से ज्यादा इंटरनल लिंक्स नहीं देने हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यू शुड लिंक टू इम्पोर्टेंट पेजेस। आप इम्पोर्टेंट पेजेस पे कोशिश करिए लिंक करिए, आप रिच कीवर्ड यूज करिए एंकर टैग में, जो हम पहले बात कर चुके हैं। इफ यू लिंक टू एन ओल्डर कंटेंट इट्स बेनिफिशियल, क्योंकि उससे आपके ओल्डर कंटेंट पे भी ट्रैफिक जाता है और कहीं ना कहीं उसकी रैंक को मेंटेन करने के अंदर हेल्प मिलती है। डोंट यूज सेम एंकर टैग फॉर 2 डिफरेंट लिंक्स, क्योंकि अगर आप एक ही पेज पे सेम एंकर टैग 2 अलग अलग लिंक्स के लिए यूज करते हैं तो गूगल पहले वाले जो लिंक है उसी को कंसिडर करेगा, दूसरे वाले को कंसिडर नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि कोई भी जो एंकर टैग है उस पे डिफरेंट लिंक सेम एंकर टैग पे नहीं होना चाहिए। सेम एंकर टैग पे सेम लिंक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव था उस एक लिंक को गूगल को बताना, क्योंकि वो पहला जो एंकर टैग का जो लिंक है उसको लेगा, दोबारा अगर वो एंकर टैग उसको मिल रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करेगा। पुट मोर लिंक्स इन बिगनिंग ऑफ द कंटेंट एज पॉसिबल, तो स्टार्टिंग ऑफ कंटेंट जो है उसके अंदर अगर आप लिंक्स को ऐड कर पाए, जैसे मैंने आपसे बोला 2-3 इंटरनल लिंक्स आप ऐड करें, तो एटलीस्ट अगर आप 2 इंटरनल लिंक्स स्टार्टिंग ऑफ कंटेंट में ऐड कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। 1 इंटरनल लिंक आप बीच में या कंटेंट के लास्ट में ऐड कर सकते हैं। कीप दीज लिंक्स डू फॉलो, और इन इंटरनल लिंक्स को आपको नो फॉलो नहीं करना है, क्योंकि सारे लिंक्स आपके अपने हैं, आपकी अपनी साइट के हैं, तो आप इन सबको डू फॉलो रखें। फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने 36th पेज लेवल फैक्टर पे, और वो है रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ इंटरनल लिंक्स पॉइंटिंग टू अ पेज। व्हेन यू ऐड इंटरनल लिंक्स देन इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल इफ द लिंक इज फ्रॉम अ पेज विद हाई पेज रैंक देन नो और लो पेज रैंक। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको इंटरनल लिंक ऐड कर रहे हैं तो वो तभी बेनिफिशियल होगा जब वो लिंक किसी ऐसे पेज को आप लिंक कर रहे हैं जिसकी पेज रैंक ऑलरेडी हाई है, जिसकी है ही नहीं और बहुत लो है, डेफिनेटली उससे आपके इस पेज को बेनिफिट नहीं होगा। बट अगर दूसरी तरह से देखें तो आप अगर जिसकी रैंक है ही नहीं और बहुत लो है उसको भी अगर आप ऐड करते हैं
तो भी कहीं ना कहीं इस पेज के थ्रू उसको ट्रैफिक मिलता है। तो ये एक्चुअली एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है, उसके बेसिस पे होता है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस रैंकिंग फैक्टर को हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक नया कंटेंट लिखने जा रहे हैं तो आप चाहेंगे वो रैंक जल्दी कर जाए, और अगर आप उसको इंटरनल लिंकिंग किसी रैंक पेज से करते हैं जिसकी हाई रैंक है, हाई पेज रैंक है, तो डेफिनेटली इसको रैंक होने में मदद मिलती है। बट एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप जो कंटेंट लिखने जा रहे हो ये जल्दी रैंक कर जाए, और इस के अंदर जो इंटरनल लिंक्स ऐड हैं वो ऐसे इंटरनल लिंक्स हो जो इसकी वजह से एक्चुअली विजिटर्स उस पे जाएं और वो भी धीरे धीरे रैंक करने लगे। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने 37 पेज लेवल फैक्टर पे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 42 कवर करेंगे, इसके बाद भी हमारे कुछ पेज लेवल फैक्टर्स बचेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 37 फैक्टर है आपका ब्रोकन लिंक्स। जी हाँ, ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। पीछे अगर आपको ध्यान हो, एक पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक्सटर्नल लिंक ऐड करिए तो आप ये चेक करिए कि वो लिंक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हो सकता है कई बार ऐसे लिंक्स होते हैं जो बंद हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, क्योंकि बाहर दूसरी साइट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा लिंक रख रहे हैं, कौन सा हटा रहे हैं। तो ब्रोकन लिंक्स आपको हमेशा चेक करने हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार आपने लिंक ऐड कर दिया उसके बाद उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो अगर वो साइट हटा भी देगी तो भी, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर वो लिंक को साइट हटा देती है तब भी आपको उसका ध्यान रखना है, और उस लिंक को आपको अपनी साइट से भी हटाना पड़ेगा। बट आपको इतने सारे कंटेंट में ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा लिंक ब्रोकन है, कौन सा नहीं है? तो क्या आप बार बार एक्चुअली कंटेंट को ओपन करके और चेक करते रहेंगे? जी हाँ, अगर इन केस आप HTML में आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, डेफिनेटली आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ वर्डप्रेस एक प्लगइन होता है ब्रोकन लिंक चेकर, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्डप्रेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर वेबसाइट्स। अगर उसको हमें रैंक कराना हो तो वर्डप्रेस से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उस प्लगइन के जरिए जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, वो आपको ये बताता रहता है कि कौन से लिंक्स ब्रोकन हो गए हैं, और उन लिंक्स को आप उस प्लगइन के जरिए ही हटा सकते हैं। आपको उस कंटेंट को जा करके ढूंढ करके उसको एडिट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये प्लगइन बहुत अच्छा है और एब्सोल्युटली फ्री है। और अगर आपके ब्रोकन लिंक्स रहते हैं तो ये आपके पेज की पेज रैंक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और अगर ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रह जाती है तो आपका पेज डी इंडेक्स भी कर सकता है गूगल। तो ब्रोकन लिंक्स का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 38 पेज लेवल फैक्टर है रीडिंग लेवल। तो गूगल आपके जो वेब पेजेस हैं उनका रीडिंग लेवल एस्टिमेट कर सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, बॉट्स हैं, वो अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से आपके पेज को चेक करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि जो व्यूअर है वो उसको प्रॉपरली रीड कर पा रहा है कि नहीं, फॉन्ट सही है कि नहीं। तो ये चीज़ एक्चुअली रैंकिंग को इफेक्ट करती है कि नहीं, ये कन्फर्म नहीं है, क्लियर नहीं है। बट डेफिनेटली एक चीज़ क्लियर है कि अगर गूगल बता रहा है कि आपका जो है विजिबिलिटी ठीक नहीं है, फॉन्ट छोटा है, क्लिक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली गूगल इन चीज़ों को कंसिडर करता है। और आपका विजिटर अगर एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स फेस करता है तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि वो विजिटर दोबारा से आपकी साइट पे नहीं आएगा। उसको अगर पढ़ने में नहीं आएगा वो कंटेंट, वो क्लिक नहीं कर पाएगा तो वो उसको बीच में ही छोड़ देगा, इससे आपकी साइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि रीडिंग लेवल जो आपकी कंटेंट का है वो बेसिकली रीडिंग लेवल हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर पाए हैं और वो कंटेंट आपका ऑटोमेटिकली ग्रो। 39th पेज लेवल फैक्टर है एफिलिएट लिंक्स, जो कि आप में से बहुत से लोग अपनी वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पे ऐड करते हैं। डेफिनेटली क्यों नहीं ऐड करेंगे, ये एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स है। बट आपके एफिलिएट लिंक्स आपकी रैंक को तब तक हर्ट नहीं करते जब तक आप उनको कंट्रोल में ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एफिलिएट लिंक्स एक ब्लॉग, एक आर्टिकल में ऐड कर दे रहे हैं, तब डेफिनेटली आपकी वेबसाइट गूगल के स्कैनर में आ जाएगी और वो उसको डी इंडेक्स भी कर सकता है। तो आपके लिंक्स जो है वो लिमिटेड होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए। सिर्फ आपको ये दो चीज़ का ध्यान रखना है, लिमिटेड होने चाहिए, एक दो लिंक, तीन लिंक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट एक लिंक एक प्रोडक्ट का एक आर्टिकल में सफिशियंट होता है, उससे ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना चाहिए। वही सेम लिंक आप एक दो अलग अलग जगहों पे ऐड कर सकते हैं, एंड वो आपके आर्टिकल के कंटेक्स्ट से रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकल किसी और चीज़ पे लिख रहे हैं और एफिलिएट लिंक किसी और चीज़ का ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का मतलब निकलना चाहिए, दोनों का एक्चुअली में कुछ मीनिंग होना चाहिए कि ये आर्टिकल आपने उस पर्टिकुलर
लिंक पे जो प्रोडक्ट है उससे मिलते जुलती चीज का लिखा है, जिससे कि यूजर को रीडर को उस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आए, उसके बाद ही वो एक्चुअली उस लिंक पे भी क्लिक करेगा। अगर आप एक्चुअली वो ऐड भी कर देंगे लिंक, कुछ गलत लिंक भी ऐड कर देंगे, तो डेफिनेटली यूजर के लिए वो काम का नहीं होगा और वो आपकी साइट पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। इसके बाद आता है 40th पेज लेवल फैक्टर, HTML एरर्स और W3C वैलिडेशन। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तब आपको ये दिक्कतें ज्यादा नहीं आती है, बहुत कम आती हैं। अगर आपकी वेबसाइट HTML में बनी हुई है तो इसके लिए HTML एक्चुअली वर्डप्रेस की जो वेबसाइट रेंडर होती है वो भी HTML में होती है, बट वो एक्चुअली एक CMS है, तो उसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। उसमें जो चीजें ऑलरेडी वर्डप्रेस ने उसके अंदर फिक्स की हुई हैं अकॉर्डिंग टू गूगल और W3C स्टैंडर्ड, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती हैं। तो WC वैलिडेशन प्रोसेस टू चेक योर वेब पेज टू डिटरमिन वेदर इट फॉलोज अ करेक्ट फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड। तो वेब पे भी फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आप वर्ड में कोई लेटर फॉर्मेट करते हैं या ड्राफ्ट करते हैं, तो उसी तरह से वेब पे भी फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर H1, H2, H3, पैराग्राफ, ऐसे बहुत सारे टैग्स का यूज होता है। तो ये फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आपने फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा आपकी साइट की रैंकिंग डिपेंड करती है, और ये चीज एक्चुअली गूगल का जो सर्च कंसोल है आपको इन्फॉर्म कर देता है। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट में कमी होगी, पेजेस में कमी होगी, तो वो चीज फटाफट गूगल के क्रॉलर्स डिटेक्ट करेंगे, और अगर आपने गूगल सर्च कंसोल में जैसे कि अपनी साइट सबमिट की ही होगी, अदरवाइज गूगल में वो इंडेक्स ही नहीं हो पाएगी, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पता चलता रहता है। तो उसको अगेन मैं कहना चाहूंगा कि उसको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, या फिर अपनी एटलीस्ट उस ईमेल पे ध्यान रखिए, उन ईमेल्स में ये ध्यान रखिए कि कभी भी गूगल की तरफ से ऐसी कोई एरर की ईमेल आती है तो उसको इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लीजिए। 41st पेज लेवल फैक्टर है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर पेज रैंक, एज अ सेम कंटेंट ऑन हाई डोमेन अथॉरिटी ऑफ डोमेन विल रैंक बेटर देन ऑन लो डोमेन अथॉरिटी डोमेन। तो अगर आपकी डोमेन की अथॉरिटी अच्छी है तो डेफिनेटली आपका वही कंटेंट रैंक होने में मदद मिलेगी, फास्ट रैंक होगा, एज कम्पेयर टू अगर सेम कंटेंट एक लो अथॉरिटी डोमेन पे है तो वो एक्चुअली देर में रैंक होगा। और डोमेन अथॉरिटी डिपेंड करती है आपके बैकलिंक्स में, यानी जिन डोमेन्स ने आपको रेफर किया हुआ है उनकी डोमेन अथॉरिटी अगर अच्छी है तो डेफिनेटली आपके पास अच्छी डोमेन अथॉरिटी पास ऑन होगी। अगर उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी नहीं है, उनका स्पैम स्कोर हाई है, तो डेफिनेटली वही चीज आपके पास भी पास ऑन हो जाएगी। तो इसलिए बैकलिंक्स बहुत प्रॉपर अच्छी जगह पे बनाने चाहिए, चेक करके बनाने चाहिए, स्पैम स्कोर हाई नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए अच्छी से अच्छी डोमेन अथॉरिटी हो वहीं बनाइए, या फिर ऐसी साइट जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी नहीं भी है और उनका जो एक्चुअली में जो उनका ट्रैफिक है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी डोमेन अथॉरिटी आगे चल के अच्छी हो जाएगी, तो आप उनको भी ले सकते हैं। एंड लास्ट पेज लेवल फैक्टर आज के इस वीडियो के लिए है पेज रैंक। So it's based on the number of incoming backlinks to the page and it's calculated on the basis of page rank of the pages जो उसके ऊपर incoming links पे आपके page पे आ रहे हैं। तो domain पे ही नहीं, ये चीज page rank के ऊपर भी apply होती है। तो जो भी incoming links हैं आपके page के लिए जो आ रहे हैं, यानी जो आपको backlinks मिले हुए हैं, वो उनकी page rank अगर high है तो definitely वो चीज आपके पेज रैंक को भी हाई करती है। तो ये बिल्कुल एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इस चीज का कैलकुलेशन का। तो डोमेन की जो रैंक है और पेज रैंक है वो कहीं ना कहीं जो भी आपके बैकलिंक्स बने हुए हैं वो आपके पेज को रैंक कराने में बहुत मदद मिलती है। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं 42 पेज लेवल फैक्टर्स, और इसके बाद हम जो बचे हुए पेज लेवल फैक्टर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपकी इसमें कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक से भी आप एक्चुअली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं रोज लाइव होता हूँ 9 से 10 रात को, और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे उनको आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पेज लेवल फैक्टर्स, और इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं 42 पेज लेवल फैक्टर्स। कुछ पेज लेवल फैक्टर्स और बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो और भी आने वाले बहुत सारे वीडियोस मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप वो भी मुझसे जरूर शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।